हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन का पार्ट टू। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दूध और पानी का एक 40 लीटर मिश्रण है। ठीक है, 40 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी मिलाकर टोटल है कितना, 40 लीटर। ठीक है, 40 लीटर, तो ये पहला मिश्रण बन गया। कह रहा है पानी की मात्रा 10% है, यानी इसमें वाटर कितना है, 10%। वाटर कितना है, 10%। तो बताइए मिल्क कितना हो जाएगा, ये मिश्रण है कितना 40 लीटर का। तो 40 लीटर का जो मिश्रण है किसका किसका, तो दूध और पानी का। तो जानते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या जो होता है वो 100% के बराबर होता है, यानी 40 लीटर जो है किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो अगर 100% में 10% वाटर है तो यहां से कह सकते हैं कि शेष 90% क्या हो जाएगा, मिल्क, है ना। शेष 90% मिल्क, यानी 40 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें 10% वाटर, तो शेष 90% क्या होगा, मिल्क। अब रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, यानी अगर 40 लीटर है मिश्रण, उसमें से कुछ लीटर पानी मिलाते हैं अलग से, यानी 1 लीटर और पानी मिला दिए, तो बताइए अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 40 प्लस x। अब कितना हो जाएगा, 40 प्लस x, तो ये नया मिश्रण बन गया। तो कह रहा है ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, यानी अब इसमें जो होगा वाटर का मात्रा कितना हो जाएगा, 20%। देखिए ये भी 40 प्लस x जो मिश्रण है, तो ये भी 100% के बराबर होगा, तो 100% में 20% पानी है, तो बताइए शेष मिल्क हो जाएगा, यानी कितना, 100 में से 20 जाएगा तो कितना, 80%। ठीक है, यानी हम लोग निकालिए कि पुराना वाला जो मिश्रण था, यानी दिया हुआ था 40 लीटर मिश्रण, उसमें दूध और पानी, दूध कितना है और पानी कितना है, तो पानी 10%, तो शेष मिल्क यानी दूध 90%। अब 40 प्लस x, यानी 40 लीटर में 1 लीटर और पानी मिला दिए, क्या मिला है, पानी मिलाए हैं, तो अब देख रहे हैं कि वाटर हो गया 20%, तो मिल्क कितना, 80%। ठीक है, ये याद रखिएगा करने का। अब कह रहा था कि कितना पानी मिलाया गया होगा, तो कितना मिला है, 1 लीटर। तो याद रखिएगा कि अगर मिश्रण में पानी मिलाए हैं तो उसके ठीक अपोजिट वाला की मात्रा क्या होगा, समान रहेगा, यानी 40 लीटर में जितना पहले दूध होगा उतना ही 40 प्लस x लीटर में दूध होगा। काहे कि जितना पहले दूध उतना ही अब भी दूध, काहे काहे कि सिर्फ पानी बढ़ा रहे हैं, क्या पानी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब दूध क्या होगा, समान। तो आप रूल को समझिए कि पुराना वाला मिश्रण और नया वाला मिश्रण दोनों को समान करना है, किसका मात्रा, किसकी मात्रा, तो अगर पानी मिलाएगा तो दूध की मात्रा को समान करेंगे, और अगर दूध मिलाएगा तो पानी की मात्रा को समान करेंगे। यहाँ क्या मिलाया है, पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाया, पानी, पानी मिला है तो किसको समान करना है, दूध को। देखेंगे कि पुराना वाला मिश्रण में दूध कितना है और नया वाला में दूध की मात्रा कितना है। ठीक है, निकालिए, पुराना वाला मिश्रण है कितना 40, इसमें दूध कितना 90%। अब नया वाला मिश्रण 40 प्लस x, इसमें दूध कितना, 80%। ये दोनों क्या होगा, बराबर, काहे कि जितना पहले दूध उतना ही अब भी दूध रहेगा। क्या चीज को बढ़ाएं, पानी को बढ़ाएं, तो पानी कम बेसी हो सकता है, यानी पानी वृद्धि हो सकता है, लेकिन दूध की मात्रा क्या है, दोनों में समान। तो काटिए, अब देखिए प्रतिशत प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये काटिएगा 40 गुना 80, 40 गुना कितना हो जाएगा, 80, ये काटिएगा तो 45 गुना 90, 45 गुना 90, यानी 40 उधर जाएगा तो 45 में 40 जाएगा तो कितना, x बराबर कितना, 5, यानी 5 लीटर। तो x क्या माने थे, मिलाए गए पानी की मात्रा, यानी 5 लीटर पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएं, 5 लीटर पानी मिलाएंगे, यही आपका आंसर हुआ। आपका आंसर कौन है, सी नंबर, आपका आंसर कौन है, सी नंबर। तो एक और समझिएगा कि कहा था कि दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण था, कितना 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, कितना 40 लीटर। अब इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, तो बताइए कुछ पानी मिलाएंगे तो ये मिश्रण क्या बढ़ जाएगा। तो मानते हैं कि 40 लीटर में
एक्स लीटर क्या होगा पानी मिला दिए, अमिश्रण कितना 40 प्लस एक्स। अब याद रखिए दूध मिलाएंगे अति पानी मिलाएंगे तो दोनों में मात्रा किसका समान रहेगा, दूध का, यानी पहले जितना दूध रहेगा उतना ही अब भी दूध रहेगा, तो दूध की मात्रा को समान करना है। भाई पहले था 10% पानी तो दूध कितना हो जाएगा 90%, है ना, और नया मिश्रण में 20% पानी हो जाएगा, मिलाने के बाद कितना पानी 10% करना 20%, तो बताइए दूध कितना रहेगा 80%, दोनों में दूध की मात्रा क्या होगा बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा निकल जाएगा आंसर यानी 5 लीटर। ठीक है, तो याद रखना आपको हमेशा कि अगर पानी को मिलाएंगे तो दूध को समान करेंगे, किसको किसको तो दूध को, और अगर दूध मिलाया गया अलग से तो पानी को समान करेंगे, यानी उल्टा हो रहा है, पानी मिलाएंगे तो दूध को समान करेंगे और दूध मिलाएंगे तो पानी को समान करेंगे, यही पर क्वेश्चन चलेगा। अगर ये समझ जाए तो समझिए कि आज का आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी आज का पार्ट आप समझ जाइएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर कह रहा है 70 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में, देखिए चीनी और पानी का मिश्रण है, तो मिश्रण है कितना पहले 70 लीटर 10% पानी है, बताइए इसमें वाटर कितना हो गया 10%, वाटर कितना हो गया 10%, तो चीनी कितना होगा चीनी यानी शुगर, तो शुगर कितना हो जाएगा, तो अगर 100% में 10% वाटर हो गया तो शेष 90% क्या होगा चीनी। अब कह रहा और कितना लीटर, देखिए और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला जाए, मिश्रण में यानी 70 में, तो 70 में कितना मिलाते हैं, मानते हैं 1 लीटर पानी मिला दिए, 1 लीटर क्या पानी, तो जिसमें पानी की मात्रा 20% हो जाए, यानी 10% से कितना 20% हो जाए, बताइए अब इसमें वाटर हो जाएगा 20%, बताइए शुगर कितना हो जाएगा, तो 100% में 20% वाटर है, यानी शेष 80% क्या हो जाएगा यहां से चीनी। देखिए किसको मिलाए हैं पानी को, क्या मिला है पानी, यानी 70 लीटर में क्या मिला दी पानी, तो हो गया कितना 70 प्लस एक्स, बताइए पानी मिला है इसका मतलब पहले जितना चीनी उतना ही अब चीनी, पानी मिलाएंगे तो किसको समान करेंगे चीनी को, निकालिए पुराना वाला में चीनी कितना है 90% और नया वाला में चीनी कितना है 80%, ये दोनों में जो मात्रा आएगा वो दोनों क्या होगा लीटर में बराबर होगा। तो चलिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया यहां से, अब काटिएगा 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया, अब तो ये कितना हो गया 9 और कटेगा, हाँ कटेगा, तो काट लीजिए इसको 35 × 70 और 4 × 8, अब गुना कीजिए तो 35 × 9 तो 9 × 5 = 45 के 5 × 4 = 27 × 4 = 31 315 और ये जाएगा 7 × 28 = 280, तो माइनस में 280 इधर आके बराबर 4x, बताइए 315 में से 280 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4x बराबर 5 और 7 में से एक जाएगा अरे 5 और 11 में 3 35 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/4, इसको काट लीजिए नहीं 8 × 32 8 × 32 और 3/4 यानी 8 × 3/4 लीटर, नहीं कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर, कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर, यानी कितना पानी मिलाना होगा तो 8 × 3/4 लीटर पानी मिलाना होगा, यानी x का मान आया है, x का मान क्या आया है यहाँ पर, तो पानी की मात्रा आया है, पानी कितना मिलाना होगा 8 × 3/4 लीटर ऑप्शन सी। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, यानी अब क्वेश्चन आ गया अनुपात में, पहले था क्या प्रतिशत में, तो प्रतिशत वाला के लिए देख लिए क्वेश्चन, अब अनुपात वाला के देखिए, तो कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है मिल्क और वाटर का कितना 45 लीटर और किस रेशियो में दूध और पानी, तो 2:1 में, 2:1 के रेशियो में है, तो निकाल लेंगे यहाँ पर ये 45 लीटर टोटल मिश्रण है, ये क्या हुआ है टोटल 45 लीटर और 45 लीटर में दूध और पानी का रेशियो कितना 2:1। अब कह रहा है जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, तो बताइए ये मिश्रण था, मिश्रण में पानी और कुछ मिला देते हैं, तो मानते हैं कितना लीटर 1 लीटर, बताइए 45 लीटर में अगर 1 लीटर पानी मिला दिए तो अब मिश्रण कितना हो गया 45 + x, अब मिश्रण कितना हो गया 45 + x, तो यह अनुपात 1:2 होता है,
बताइए अनुपात कितना हो गया, 1:2, यानी 45 लीटर जब मिश्रण था तो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1, और जब 45 + x लीटर हो गया यानी 1 लीटर और पानी मिला दिए तो अब कितना हो गया 1:2 का रेशियो। अब बताइए मिलाया क्या गया है, पानी की कुछ मात्रा, यानी क्या मिला रहा है पानी, बताइए पानी मिला है, इसका मतलब पहले वाला में और अब वाला में दोनों में किसकी मात्रा समान रहेगा, तो दूसरे का वाला यानी दूध की मात्रा समान रहेगा, तो इसमें भी मिल्क की मात्रा निकालेंगे, इसमें भी मिल्क की मात्रा निकालेंगे, ठीक है, और दोनों में मिल्क की मात्रा क्या बराबर है। तो चलिए 45 लीटर में मिल्क की मात्रा निकालिए, 45 लीटर मिल्क कितना होगा, देखिए मिल्क पहले वाला कितना का रेशियो 2:1, तो 2:1 तो इसमें मिल्क कितना है, तो अगर इसमें मिल्क पूछेगा मिल्क तो कितना है, मिल्क है 2, कितना लीटर में, टोटल कितना होगा अनुपात में 2:3, यानी मिल्क भाग है कितना 2/3, ठीक है, यानी टोटल जोड़ कर नीचे और ऊपर मिल्क निकालना है, तो ऊपर है मिल्क, तो 45 का 2/3 भाग क्या निकला है मिल्क, बराबर करेंगे। अब 45 + x में मिल्क निकालिए, 45 + x में तो बताइए अब वाला में रेशियो कितना 1:2 का, तो मिल्क है 1 और वाटर है 2, तो मिल्क का भाग कितना हो जाएगा, तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिल्क का बारे में पूछा तो मिल्क ऊपर तो 1 और टोटल कितना 2/3, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग, यानी इसमें भी मिल्क निकल गया इसमें मिल्क निकल गया, तो दोनों मिल्क की मात्रा क्या होगा समान। अब काट कूट कर लीजिए, ये कट जाएगा 3 से 3 खत्म, या जब 45 × 90 और 90 में से 45 घटेगा यानी x बराबर कितना 45, यानी 45 लीटर, x क्या माने थे तो पानी मिलाएगी मात्रा, यानी कितना मिला रहे हैं पानी 45 लीटर, तो 45 लीटर पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे यानी 45 लीटर पानी मिलाएंगे, आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा जा रहा है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन जा रहा है डी नंबर, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 पहले वाले में, मिल्क कितना, अगर मिल्क का पार्ट भाग पूछेगा इसमें मिल्क का भाग, इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सीख लीजिए मिल्क है 2 तो टोटल है कितना 2/3, नीचे जोड़कर तो 2/3 भाग क्या होगा मिल्क, अगर वाटर लिखना होगा तो वाटर कितना, तो वाटर है 1, कितना में 2/3 में, 1/3 भाग क्या है वाटर। इसी तरह से अगर इसमें मिल्क लिखना है तो मिल्क है 1, कितना में 2/3, 1/3 भाग मिल्क, अगर वाटर का लिखना है तो वाटर है 2, कितना में 2/3, 2/3, ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो दोनों में मिल्क मिल्क की मात्रा समान किए तो एक्स का मान निकल गया कितना 45 लीटर, यानी ऑप्शन कौन जा रहा है डी नंबर। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा क्वेश्चन है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है, तो चलिए किसका किसका मिश्रण है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का कितना के रेशियो में था 17:3 के रेशियो में था, कब जब 200 लीटर मिश्रण था तब, तो लिख लिए यानी 200 लीटर मिश्रण है पहले उसमें कितना का रेशियो 17:3 का रेशियो, बताइए अगर मिल्क का भाग निकालना हो तो मिल्क का भाग इसमें कितना जाएगा, तो 17 है मिल्क, कितना में 17/3 20 में, 17/20 क्या जाएगा मिल्क का भाग, अगर वाटर का भाग निकालना है तो वाटर का भाग कितना हो जाएगा 3 है, कितना में 17/3 20 में, 3/20 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ठीक है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3, लेकिन कितना लीटर में 200 लीटर में। अब करा मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, देखिए मिश्रण था 200, अब 200 में कुछ और दूध मिला दिए, कितना मिला दिए, तो मान लीजिए 1 लीटर, 200 लीटर में अगर 1 लीटर दूध मिला दिए, क्या मिला रहे हैं दूध, तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा 200 + x, यानी नया मिश्रण कितना 200 + x, तो कह रहा है यह अनुपात 7:1 हो जाएगा, यानी अब रेशियो कितना हो जाएगा 7:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब 200 लीटर मिश्रण था दूध और पानी का तो 17:3 का रेशियो था, अब 200 लीटर में 1 लीटर और दूध मिला दिए तो अब दूध और पानी का रेशियो होगा 7:1, बताइए क्या चीज मिला है यहां पर एक्स, तो यहां पर मिल्क है एक्स, मिलाया गया क्या है मिल्क, तो किसको समान करेंगे वाटर को, यानी पहले जितना वाटर होगा उतना ही अब भी वाटर होगा, तो वाटर वाटर समान कीजिए, निकालिए 200 लीटर में वाटर कितना होगा, तो वाटर है 3, कितना में 17/3 20 में,
तीन बटा बीस भाग बराबर होगा किसका, 200 प्लस x लीटर में। अब वाटर निकालिए तो वाटर कितना है, एक कितना में, सात और एक आठ में, यानी एक बटा आठ भाग क्या होगा, वाटर होगा। चलिए काट कूट कर लेते हैं, तो ये 20 बढ़ाएंगे 200 कट जाएगा है ना, आठ इसमें गुण हो जाएगा, तो 10 या 30 और 30 गुण 8 के लिए तो कितना जाएगा 240, और 200 इधर आकर माइनस में, माइनस 200 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया 40 लीटर। ये क्या है 40 लीटर, तो दूध मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है, तो दूध 40 लीटर दूध मिलाएंगे, 40 लीटर दूध क्या होगा मिलाएंगे, यानी 200 लीटर में कितना लीटर दूध मिलाना होगा 40 लीटर, तब जाकर रेशियो का 7:1 का, ठीक है, तब जाकर रेशियो का 7:1 का, यानी ऑप्शन कौन जा रहा है यहां से, तो ऑप्शन बी नंबर 40 लीटर। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। देखिए एक मिश्रण है और एक मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो है 1:3 का, तो एसिड और वाटर यानी अम्ल और पानी का रेशियो कितना, 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है। यदि उसी मिश्रण में यानी पहले जितना मिश्रण था उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है, यानी अब कितना हो जाएगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। कब, जब उसी मिश्रण में 5 लीटर और अम्ल डाल दिया जाता है, करा है उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी लीटर है, यानी नया मिश्रण में कुल मात्रा कितना होगा, नया मिश्रण का कुल मात्रा। देखिए दिया है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3, हम लिख लिए एसिड और वाटर का रेशियो कितना 1:3 का रेशियो है, लेकिन कितना मिश्रण है नहीं पता है, कितना लीटर मिश्रण है नहीं पता, तो मान लीजिए कितना लीटर x लीटर, कुछ मान लीजिए x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए पहले x लीटर मिश्रण था किसका किसका, अम्ल और वाटर का, हम कह रहे हैं ठीक है से, अगर हम लोग कहते हैं कि x लीटर मिश्रण था उसमें रेशियो कितना 1:3 का, अब करा 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए यानी मिश्रण में, तो मिश्रण कितना माने x, तो x में अब 5 लीटर और डाल दिए तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा x प्लस 5, यानी अब मिश्रण कितना हो जाएगा x प्लस 5, ये 5 लीटर क्या डाले हैं अम्ल डाले हैं, बताइए x लीटर में 5 लीटर अलग से अम्ल डाल रहे हैं तो अम्ल की मात्रा क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन उसमें पानी की मात्रा क्या होगा तो समान रहेगा, यानी पहले जितना पानी रहेगा उस अब भी उतना ही पानी रहेगा, तो किसको समान करेंगे पानी की मात्रा को समान करेंगे, निकालिए पानी, तो पहले x लीटर में पानी की मात्रा कितना है, पानी है 3, कितना में 3 और 1 4 में, यानी 3/4 भाग। अब मिश्रण कितना हो गया x प्लस 5, इसमें पानी की मात्रा कितना है 2, कितना में 2/3 में, तो 2/3 भाग, दोनों क्या होगा आपस में बराबर, x का 3/4 भाग क्या निकला है, तो निकल गया है पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। अब नया मिश्रण में x प्लस 5 लीटर में पानी की मात्रा कितना था 2/3 भाग, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए तो 3 गुना हो जाएगा इसके साथ आ जाएगा 3 × 3 9x हो गया 9x, और 4 गुना होगा इसके साथ 4 × 8 8x प्लस और 8×5 कितना जाएगा 40, तो यहां से कह सकते हैं कि 9x में से 8x घटेगा, 9x में से 8x घटेगा तो कितना 1x, 1x बराबर कितना आ गया 40 लीटर। ये x क्या माने थे, तो माने थे पुराना वाला मिश्रण यानी पहले वाला मिश्रण, ये क्या निकला है मिश्रण निकला है, मिश्रण किसका प्रारंभिक, प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण, बताइए नया मिश्रण कितना हो जाएगा, नया मिश्रण कितना हो जाएगा, तो नया मिश्रण निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 40 लीटर पहले वाला मिश्रण जिसमें 5 लीटर और अलग से एसिड मिलाया गया यानी अम्ल मिलाया गया, तो 40 लीटर और 5 लीटर कितना हो जाएगा 45 लीटर, यानी नया वाला मिश्रण कितना हो जाएगा 45 लीटर, तो ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा एक पीपे में 3:1 में शराब और पानी का मिश्रण है, ठीक है शराब और पानी का, तो शराब को मान लीजिए एस और पानी को मान लीजिए वाटर, ठीक है ये कितना के रेशियो में है 3:1 के रेशियो में है,
लेकिन कितना लीटर मिश्रण है नहीं पता है। ठीक है, अगर मिश्रण का कितना भाग निकलकर उतना ही मात्रा में पानी मिला जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब कितना हो जाएगा, 1:1 का हो जाए। देखिए प्रारंभिक मिश्रण नहीं पता है, तो मान लीजिए प्रारंभिक मिश्रण कितना था, यानी पहले मिश्रण कितना था शराब और पानी का, नहीं पता है तो मानिएगा 1 लीटर। ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 1 लीटर। अब कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकल कर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। तो 1 लीटर में कितना भाग निकालना था, मान लेते हैं एम लीटर निकालता है तो कितना जाएगा, एक्स माइनस एम। यानी अगर 1 लीटर में से एम लीटर मिश्रण निकालनी है तो कितना बचेगा, एक्स माइनस एम। देखिये याद रखिएगा वो यहां पर पॉइंट कि अगर मिश्रण में से मिश्रण निकलता है, मिश्रण में से मिश्रण निकलता है तो उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए अगर शराब और पानी का पहले था 1 लीटर मिश्रण, तो 1 लीटर मिश्रण में रेशियो में कितना, 3:1 का। अब मिश्रण में से एम लीटर निकाल लिए, मिश्रण में से मिश्रण निकाल लिए, तब पर भी अनुपात क्या रहेगा, 3:1 ही रहेगा। यानी एम लीटर निकालने के बाद मिश्रण बचेगा कितना, एक्स माइनस एम लीटर। ठीक है, एक्स माइनस एम लीटर, लेकिन रेशियो उतना ही रहेगा, 3:1, कोई परिवर्तन नहीं। यानी 1 लीटर मिश्रण में भी 3:1 का रेशियो, और मिश्रण में से एम लीटर मिश्रण निकाल लिए तब पर भी रेशियो कितना, 3:1 ही का रहेगा। अब जितना लीटर जितना मिश्रण निकाले थे उतना ही उसमें और क्या मिला रहे हैं, उसमें करा उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। यानी एम लीटर निकाले हैं तो इसमें एम लीटर और पानी मिला देंगे। ठीक है, एम लीटर और पानी मिला देंगे। बताइए पहले था 1 लीटर, उसमें से एम लीटर निकाले और एम लीटर पानी डालिए तो मिश्रण हो जाएगा कितना, मिश्रण तो उतना ही जाएगा, देखिए कट जाएगा एम, यानी आ जाएगा कितना, एक्स। लेकिन जब एक चीज मिलाएंगे तो अनुपात क्या होगा, परिवर्तन कर जाएगा, यानी हो गया कितना, 1:1 का रेशियो। यानी अब 1 लीटर में कितना का रेशियो, 1:1 का रेशियो निकल गया। यानी x माइनस एम में रेशियो था 3:1 का, और x लीटर में कितना, 1:1 का। तो बताइए मिलाए क्या चीज है, पानी मिलाया जाए, पानी मिलाए हैं तो पानी मिलाए तो किसको समान करेंगे, शराब को। यानी x माइनस एम में शराब की मात्रा कितना है, तो 3/4 भाग है, 3। देखिए शराब है 3, कितना में, 3/4 में। अब 1 लीटर में शराब कितना होगा, तो शराब है 1, कितना में, 1/2 में, 1/2 भाग, दोनों क्या होगा, बराबर। यानी पानी मिलाएंगे, इसका मतलब पहले जितना शराब उतना ही अब भी शराब। अब काट कूट कर लीजिए तो 2 से 2 × 4 ये कट गया, ये हो जाएगा 2x और ये होगा 3x। 3x में से 2x घटेगा तो कितना जाएगा यहां से, तो 3x और माइनस 3m बराबर 2x। यानी यहां से सोल्यूशन कीजिएगा तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3m माइनस 3m को उधर ले जाएं तो प्लस में, 3m बराबर कितना हो गया, 3 × 2 गया 1x, 1x। यानी यहां से कह सकते हैं m बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू एक्स, 1/3 इंटू एक्स। कह रहा था मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाए, यानी कितना लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए। बताइए एक्स क्या था, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण का 1/3, यानी एक्स का 1/3 भाग, इका मान आया है तो एम का मान आया है, और एम क्या माने थे, तो मिश्रण निकाली गई, यानी मिश्रण निकाली गई या पानी डाला गया, एम लीटर निकाले तो एम लीटर पानी डाले, यानी एम क्या है, तो डाली गई मात्रा, पानी डाली गई मात्रा कितना गया, तो मिश्रण का 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग एक्स क्या था, तो ये मिश्रण है, टोटल मिश्रण है, उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग निकालेंगे या 1/3 भाग पानी डालेंगे, तो दोनों में क्या जाएगा, शराब की मात्रा समान रहेगा। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा एक बर्तन में ए और बी दो द्रव्य पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। देखिए एक बर्तन है, बर्तन में ए
और बी दो प्रकार के पदार्थ है, यानी ए पहला पदार्थ और बी दूसरा पदार्थ, वो कितना के रेशियो में है, 7:5 के रेशियो में है, यानी ए की मात्रा 7 तो बी की मात्रा 5। अब करा उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया, तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। अब कितना रेशियो हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव ए की मात्रा कितनी लीटर थी, यानी प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा में ए की मात्रा पूछ रहा है। देखिए प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया, तो मान लीजिए प्रारंभिक मात्रा कितना, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा प्रारंभिक घोल कितना है, प्रारंभिक मिश्रण तो मान लेते हैं 1 लीटर, कितना 1 लीटर, यानी 1 लीटर मिश्रण था टोटल किसका किसका, ए और बी दो प्रकार के पदार्थ का, द्रव का, द्रव पदार्थ का, तो 1 लीटर में 7:5 का रेशियो में था। लेकिन कह रहा है जब मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, बताइए 1 लीटर में 9 लीटर निकाल लिए तो कितना बचेगा, 1 - 9, यानी अब कितना बचेगा, यानी मिश्रण में से मिश्रण निकला, तो मिश्रण में से मिश्रण निकलेगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी उतना ही रहेगा, कितना के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में, यानी अब कितना लीटर बचा यहां से 9 लीटर निकालने के बाद, 1 - 9 लीटर। अब जितना लीटर निकाले हैं मिश्रण उतना ही बी द्रव भर दिया गया, यानी इसमें बी द्रव भर दीजिए, बताइए 9 लीटर मिश्रण निकाले और इसमें 9 लीटर बी द्रव से भर देंगे, अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 9 कट जाएगा, यानी मिश्रण हो जाएगा कितना, 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितना का रेशियो हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए पहले वाला मिश्रण शेष और अब वाला मिश्रण, यानी बी द्रव डालने के बाद दोनों में क्या समान होगा, तो बी डाला गया है इसका मतलब समान कौन होगा, ए की मात्रा, दोनों में ए की मात्रा समान कीजिए, 1 - 9 लीटर में ए की मात्रा कितना है, तो यहां देखेंगे ए की मात्रा 7, कितना में, 7/5 में, यानी 7/12 भाग ए की मात्रा। अब दूसरा नया मिश्रण 1 लीटर में, तो 1 लीटर में ए की मात्रा करना 1, कितना में, 1/2 में, 1/2 भाग, काट कूट कीजिए 6 × 12 ये 6 हो जाएगा, यहां 7x, तो 7x में से 6x घटेगा तो कितना जाएगा, यहां से 1x और 9 × 7 = 63, एक्स बराबर कितना गया, 63 लीटर। एक्स क्या माने थे, तो प्रारंभिक मात्रा माने थे, यानी एक्स क्या था, तो पहले वाला घोल था, पहले वाला मिश्रण था 63 लीटर। तो कह रहा है तो बर्तन में आरंभ में ही ए की मात्रा कितना था, बताइए ए की मात्रा कितना था प्रारंभिक, तो प्रारंभ में टोटल मिश्रण था 63 और 63 में ए की मात्रा पहले कितना था, 7, कितना में, तो 7/5 में, 7/12 भाग कह सकते हैं, 7/12 भाग, 7/12 भाग। तो यहां से काट कूट करते हहैं तो कितना जाएगा, यहां से 3 से काट लीजिए, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, 21 × 63 = 63। अब यहां से काट लीजिएगा तो आ जाएगा 7 × 7 = 14, 147/4, यानी आ जाएगा यहां से 4 × 3 = 12 और यहां कितना है, 2, तो 4 × 3 = 12 = 2 = 27 में फिर 4 से भागा दीजिएगा तो 4 × 6 = 24 और 3/7 लीटर, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी नंबर, यानी कितना दिया, 36.4 लीटर, यानी प्रारंभिक मात्रा में ए की मात्रा कितना, 36.4 लीटर। अगर बी का पूछता तो बी का मान कितना है, 5, कितना में, 7/5 = 12 में, 63 का 5/12 भाग निकाल देंगे तो बी का मात्रा निकल जाएगा, ठीक है। अगर पूछता प्रारंभिक मात्रा कितना, तो प्रारंभिक मात्रा कितना, 63 लीटर। अगर पूछेगा कि पूछेगा इसमें से हो सकता है आपसे कि बताइए अंतिम में, यानी अंत में ए की मात्रा कितना, अंतिम में ए की मात्रा कितना, तो 63 लीटर है लेकिन कितना रेशियो में, 1:1 में, 1/2 कर लेंगे, 63 का 1/2, या अंतिम में बी की मात्रा पूछेगा तो बी का मात्रा कितना, 1/2, 63 का 1/2 कर लेंगे ए की मात्रा और बी की मात्रा निकल जाएगा, ठीक है। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के 40 लीटर रस में 40% नींबू है, देखिए 4 लीटर नींबू का रस है उसमें 40% नींबू है। अगर
यदि इसमें एक लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रित रस में नींबू की प्रतिशतता क्या होगी? निकालिए, 4 लीटर नींबू का रस था, उसमें 40% ही नींबू है, तो 4 लीटर का 40% निकाल लीजिए, ठीक है, 4 लीटर का 40%, तो कितना जाएगा यहां से, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 4 × 16 1.6 लीटर, ये क्या निकला है, नींबू, नींबू। अब कह रहा है इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नींबू का प्रतिशत कितना होगा, बताइए। अगर 4 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण होगा कितना, 5, लेकिन 5 लीटर मिश्रण हो गया, लेकिन जितना पहले नींबू रहेगा उतना ही ना अब नींबू रहेगा, बताइए 1.6 लीटर यहां से नींबू है, लेकिन टोटल 5 में पूछ रहा है, तो 5 नीचे टोटल कितना, 5, तो प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, यही हो गया अब नींबू की प्रतिशतता, 20, 25, 100 यहाँ से कटेगा, 1 को 0 खत्म, 1 को 0 खत्म, दशमलव खत्म, तो 1 को 0 खत्म, 16 × 32 अब हो गया 32%, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए नंबर। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 लीटर नींबू रस में 40% नींबू है, तो नींबू मात्रा है कितना, 4 में 40%, लेकिन 1 लीटर पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद हो जाएगा कितना, 4 + 1 कितना हो गया, 5, 4 + 1 कितना हो गया यहां से, 5, तो 5 लीटर हो गया। अब 5 लीटर में कह रहा है कि नींबू की प्रतिशतता क्या होगा, तो नींबू की प्रतिशतता मानते हैं x प्रतिशत, तो यहां भी निकला 4 का 40% नींबू, यहां 5 का x% नींबू, दोनों में नींबू की मात्रा का होगा बराबर होगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 40, यानी x बराबर कितना जाएगा, 32%, आंसर x क्या है, तो 5 लीटर में नींबू का प्रतिशत है, यानी 32%। तो आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो 3:5 का अनुपात हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है, 6ठा या 7वां क्वेश्चन देखिएगा, ये बताएं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, 9वां नंबर और 10वां नंबर, ये दोनों होमवर्क देते हैं, आपको बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, यानी आज का वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि 9वां का आंसर कौन होगा और 10वां का आंसर कौन होगा, ठीक है। तो अगर 9वां का आंसर मान लीजिए, कैसे देना है आंसर, 9 लिख करके और 9 डैश दीजिएगा, और इसके बाद ABCD कोई भी आंसर होगा तो यहाँ सामने लिख देना है, ए या बी या सी या डी, जो भी आंसर है आपका वो आंसर लिख दीजिएगा। उसी तरह से 10वां का जो भी आंसर होगा 10वां के साथ लिख करके और डैश दीजिएगा, और उसके सामने ए बी सी या डी लिख दीजिएगा। तो 9वां और 10वां आपको होमवर्क है, आप बना करके और हमको कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही हो रहा है, और इसका सोल्यूशन हम अगला वीडियो में जब पार्ट 3 लाएंगे एलिगेशन का, तो उसमें आपका ये दोनों का सोल्यूशन कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करके और बना लीजिएगा 9वां का, उसी तरह 10वां का। देखिए, 9वां का क्वेश्चन ये है, अब 10वां क्वेश्चन आगे देते हैं आपको। तो 10वां का क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। देखिए, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, 6ठा नंबर देखिएगा, तो 6ठा नंबर में यही टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं, क्वेश्चन 6ठा, तो इसका भी बना करके आपको होमवर्क में देना है कि कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बताए हैं आपको कि 9 का अगर बना लिए होंगे तो 9 के सामने लिख दीजिएगा ABCD, या 10 बनाइएगा तो 10 के सामने लिख दीजिएगा ABCD, और कमेंट में करके बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका कौन सा उत्तर आ रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन है, या पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, इससे हमको एनर्जी मिलेगा और नया नया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, SSC रेलवे या बैंक हो एग्जाम, या और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो,
सभी के लिए एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप टोटल एलिगेशन पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न पर लेकर चले कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम बना रहे हैं क्वेश्चन, छाट छाट के क्वेश्चन ला रहे हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अनुसार क्वेश्चन ला रहे हैं और आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और जितना रेशियो बताए हैं उतना अगर पढ़ लेते हैं, जितना एलिगेशन बताएंगे, जितना आप एवरेज बताएंगे, पार्टनरशिप बताएं, अगर पूरा आपका एवरेज कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करना हो इस रिलेटेड क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता दिए हैं कि आप हमारे गूगल पर जाइएगा, गूगल पर, और वहां पर सर्च कीजिएगा www.gdpatna.com। वहां पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, रेशियो का या एलिगेशन का, पार्टनरशिप का, एवरेज का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, जो भी ये चैप्टर हो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन डाला हुआ है www.gdpatna.com पर, वहां पर आप जाकर रिविजन कर सकते हैं। ठीक है।